पावर स्टार पवन सिंह का गाना डिलीट होने के बाद भी विरोधी को दिया बड़ा झटका। तो क्या खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसा अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। देखिए पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना रिलीज किया गया था जिस गाने का नाम है पूछे पवनवा ए माई, और उस गाने को जल्दीबाजी में रिलीज किया गया था और रिलीज के 4 घंटे बाद उस गाने को फिर से डिलीट करके दोबारा रीअपलोड किया गया। तो काफी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस गाने को डिलीट करने का रीजन क्या था और दोबारा क्यों रिलीज। बेशक अगर आपने जो सुबह वाला गाना रिलीज किया गया था उसको सुने होंगे तो आपके समझ में आएगा कि पावर स्टार पवन सिंह का आवाज एक तरफ चल रहा था और साथ में म्यूजिक दूसरी तरफ चल रहा था, जिसके वजह से ये गाना बिल्कुल सुनने में उतना ज्यादा सुरीला और आनंद नहीं आ रहा था जिस प्रकार से पावर स्टार पवन सिंह का जितना भी पुराना गाना है। इसी कारण पावर स्टार पवन सिंह ने इस गाने को फिर से डिलीट करवाकर दोबारा मिक्सिंग करवाने के बाद इस गाने को फिर से रीअपलोड करवाया है। ये गाना सुनने के बाद वाकई में हर लोगों का दिल छू लेता है जो दोबारा अपलोड किया गया। तो बेशक आप समझ सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह इतना व्यूज जाने के बावजूद गाना डिलीट करवा के फिर से रीअपलोड करवाना खाली पावर स्टार पवन सिंह ही कर सकते हैं, बाकी कोई सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्रीज में नहीं कर सकता। उसको पता है कि अगर दोबारा रीअपलोड करेंगे तो 100% व्यूज नहीं आएंगे और गाना 100% फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का ये दूसरी बार रीअपलोड करने के बाद गाना इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दे रहा है और साथ में इतना मज़ा आ रहा सुनने के बाद। अगर आपने नहीं सुना तो जाके सुनिए और सुनने के बाद कमेंट करिए। और पावर स्टार पवन सिंह ने विरोधी को झटका दे दिया दोबारा अपलोड करके।